कि आज 14 अगस्त को माल रोड पर कई लोग बाजे बजा के और कई मुस्तंडे मुख्तलिफ किस्म के शर फैला के समझते हैं कि शायद ये पाकिस्तान प्लेट में रख के हमें दे दिया गया था। उन्हें खबर नहीं कि इसके पीछे जिद्दोजहद कितनी है और कितना उस वक्त मुश्किल था पाकिस्तान का नाम लेना। एक तरफ ब्रिटिश इस्तेमार था, दूसरी तरफ हिंदू बनिया था, और ये फिर आस्ती के सांप थे जो मुसलमान होने के बावजूद काम गांधी के लिए कर रहे थे। आला हजरत फाजले बरेलवी और उलमाए अहले सुन्नत ने उस वक्त नजरिया पाकिस्तान यानी दो कौमी नजरिया पेश किया। और मैं तो कहता हूं कि कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ने हर चीज का जिक्र किया है, और जू जू जिंदगी गुजरती जा रही है कायनात की, और जू जू इस कायनात में सदियां तब्दील हो रही हैं, वो कुरान मजीद की हिकमतें सामने आ रही हैं। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहु फरमाता है, वइन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी मिम बैनि फरसिन व दम लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए जानवरों में भी इबरत है, जानवरों के अंदर भी सबक है, और जानवरों के अंदर सबक किस अंदाज का है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस पेश की और जो कुरान की आयत वाज़े कर रही है, अल्लाह फरमाता है नुस्कीकुम हम तुझे पिलाते हैं मिम्मा फी बुतूनी, जानवरों के पेट से क्या पिलाते हैं, निकलता कहां से है। फरमा मिम बैन फरसियों व दम, गोबर और खून के बीच से हम निकालते हैं। किस चीज को? लबनन खालिसा, खालिस दूध को, साइगल लिशारिबीन जो पीने वालों के लिए बड़ा खुशगवार भी होता है। अब इसकी तशरीहात में मैं नहीं जाता, टाइम मुख्तसर है। लोग पूछते हैं टू नेशन थ्योरी कहां है, दो कौमी नजरिया कहां है। आज पाकिस्तान के चैनलों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं तहरीक पाकिस्तान में तो कहीं दो कौमी नजरिए का जिक्र ही नहीं था, तुम कहां से दो कौमी नजरिया लिया। आज जिस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम साबिक जिल्लत रुसवाई का हवाला नवाज शरीफ, जिस वक्त उसने होली के जलसे में तकरीर की थी कराची के अंदर और हमने उसकी खबर ली थी, लाखों तक वो क्लिप पहुंचा था, जिस वक्त वो कह रहा था कि मजहब की भेस पे पाकिस्तान नहीं बना हिंदुओं को खुश करने के लिए और रहमान और भगवान ये एक ही चीज का नाम है, तो उस वक्त भी हमने ये कहा और आज भी मैं कह रहा हूं, पढ़ने का सलीका हो तो पढ़ लेते हैं कुछ लोग पानी पे लिखी हुई तहरीर हवा की। कहां है नजरिया पाकिस्तान, कहां है? फितरत ने हर तरफ इस नजरिए की खुशबू रखी है। अल्लाह फरमाता है कि जानवरों के अंदर भी तुम्हारे लिए सबक मौजूद है कि हम तुझे दूध पिलाते हैं, जो दूध पीता है उसको नजरिया पाकिस्तान समझना चाहिए कि दूध आया कहां से है, निकला कहां से है, दूध क्या है। फरमाया हम निकालते हैं एक तरफ भैंस और गाय और बकरी और ऊंटनी के अंदर गोबर है, एक तरफ खून है, दो पलीत चीजें हैं। हम दो पलीत चीजों से पाक निकालना यह हमारी कुदरत है, दो पलीत चीजों से पाक निकाल दिखाना। रब फरमाता है यह मेरी कुदरत का करिश्मा है कि भैंस के अंदर एक तरफ गोबर है और एक तरफ खून है, हम बीच से दूध निकालते हैं। हमारा हमारी कुदरत देखो, हम गोबर की बदबू भी नहीं आने देते, खून की रंगत भी नहीं आने देते। लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। तो मैंने जब सोचा कि दो पलीदों से पाक निकलना ये रब की कुदरत का ऐलान है, तो मैंने कहा यही तो नजरिया पाकिस्तान है। एक तरफ पलीद अंग्रेज था, दूसरी तरफ पलीद हिंदू था, इन दो पलीदों में से रमजान की 27वीं शब और 14 अगस्त को रब ने पाकिस्तान निकाल के दिखा दिया है। दो पलीदों के बीच से पाक निकालना तो ये तो उसकी शान है जो अजल से उसने बयान की है और हमेशा इसका इजहार हुआ है, लेकिन एक इजहार 14 अगस्त को हुआ है, इसलिए हम 14 अगस्त भी एक ईद मनाते हैं दीन के तौर पर।